आज 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज हमारे यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चे एक पीसफुल मार्च निकाल रहे थे उनकी याद में। उसी बीच में होली फैमिली हॉस्पिटल के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ था और वहाँ पे इनको रोका गया और कहीं से एक अननोन आदमी आया जिसने हाथ में पहले पिस्तौल चमकाई और बहुत देर तक उसने दिखाई और उसके बाद हमारे एक बच्चे के गोली मार दी। शादाब फारूक के गोली लगी है बट मैं खुदा का शुक्र भेजती हूँ कि वो उसके हाथ में लगी और कहीं और वाइटल ऑर्गन पे नहीं लगी। बट क्या कुछ भी हो सकता रहा, इस वक्त कुछ भी हो सकता रहा। मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमारे बच्चों ने जो सब्र खाया और जिस समझदारी से उन्होंने ये वक्त गुजारा है और बिना किसी रिटेलिएशन के, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी का में हमें उनको यही सिखाते हैं कि चीज़ों को बर्दाश्त करो और गलत जिस तरह से इस वक्त रुके हैं वो लोग, तो हम सबका सर बहुत ऊंचा किया है। मुझे बहुत अफसोस है कि ये आज की ये सिचुएशन आई और मैं शादा और उसके पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है उस बच्चे को देखना। हमारी यूनिवर्सिटी उसको पूरी तरह से उसके मेडिकल और बाकी सारी फैसिलिटीज़ देगी, इंक्लूडिंग उसके इम्तहान अगर निकल रहे होंगे चाहेंगे तो हम उसको दोबारा करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल रहे। मैं ऐसे इस इंसिडेंट से हम सब हिल गए हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पुलिस के सामने एक आदमी इतना पिस्टल दिखाता फिरे और उसको कोई रोक ना सके, यहाँ तक कि वो मार दे किसी आदमी को और उसके बाद उसको बड़ा कूली पकड़ लिया। तो इसलिए ये चीज़ हमारा भरोसा थोड़ा सा हिला रही है और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अब ये ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा कभी नहीं होगा हमारे लोगों के साथ। हम सब कॉशस हैं इसके लिए मगर ऐसा वादा भी हमको चाहिए कि ये कभी नहीं होगा दोबारा, ऐसा उन लोगों से जो मैटर करते हैं।